जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज मैं आपको इंडियन नेवी के एक ऐसे मार्कोस कमांडो की वीरता और साहस की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो मार्कोस की ज्यादातर मूवमेंट्स और ऑपरेशंस क्लासिफाइड ही रखा जाता है, लेकिन इस ऑपरेशन की घटना से आपको मार्कोस की काबिलियत का अंदाजा लगेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार साहब की, जो एक मार्कोस कमांडो है। और मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। मार्कोस को ऑपरेशन रक्षक के लिए जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किया गया था 23 मार्च 2021 से 3 अक्टूबर 2021 तक। इसी ऑपरेशन रक्षक में शोक बाबा के घने जंगलों में एक सर्च और डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाया गया था। यह ऑपरेशन चला था 23 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक। इस ऑपरेशन में मार्कोस 14 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस एक साथ में ऑपरेट कर रहे थे और इसी घने जंगलों में मार्कोस को लीड कर रहे थे मृत्युंजय साहब। 23 जुलाई रात के 11 बजे शोक बाबा के घने जंगलों में एक घेरा बंदी लगाया गया। सूत्रों के मुताबिक खबर ये मिला था कि इस घने जंगलों में आतंकवादी छुपे हुए हैं। 24 जुलाई सुबह लगभग 7:10 पर आतंकवादियों को स्पॉट किया जाता है। लगभग वो दो आतंकवादी थे जो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। मार्कोस और पूरी टीम ने जैसे ही आतंकवादियों को स्पॉट किया तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इधर से भी काउंटर फायरिंग में हमारे फौजियों की ओर से भी फायरिंग खोला गया, लेकिन इस भयानक गोलाबारी में अचानक राइफलमैन प्रदीप सिंह को गोली लग जाती है। ऑपरेशन रहा था दो बड़े पहाड़ों के बीच में। एक पहाड़ में आतंकवादी छुपे हुए थे, दूसरे पहाड़ में हमारे कमांडोज थे। और जब राइफलमैन प्रदीप सिंह को गोली लग जाती है तो घायल अवस्था में वो पहाड़ से नीचे भी गिर जाते हैं। जैसे ही राइफलमैन साहब को गोली लगती है तो मार्कोस कमांडो मृत्युंजय साहब ये देखते हैं कि दो आतंकवादी पहाड़ टॉप करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। मार्कोस मृत्युंजय साहब एक बार भी ना सोचते हुए पहाड़ के नीचे कूद पड़े अपने बड़ी की जान बचाने के लिए और नीचे कूद करके प्रदीप सिंह को वहां से रिकवर किया। प्रदीप सिंह साहब को रिकवर करते ही उनको इंजेक्शन दिया और फर्स्ट एड देकर के उनकी जान भी बचाई, क्योंकि गोली लगने के बाद अगर ब्लड फ्लो को रोका ना जाए तो एक्सेस ब्लड लॉस के कारण इंसान की मृत्यु तक हो सकता है। राइफलमैन प्रदीप सिंह साहब की जान बचाने के बाद मार्कोस और उसकी पूरी टीम दूसरे पहाड़ में रहने वाले आतंकवादियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। आतंकवादी मृत्युंजय साहब की ओर ग्रेनेड भी फेंका, लेकिन ग्रेनेड का इफेक्ट कमांडोज तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि तब तक मार्कोस कमांडो मृत्युंजय साहब इस भारी गोलाबारी में भी एक बेहतरीन पोजीशन पर अपने आप को सेट कर लिया था। वहां से फायरिंग करते हुए मार्कोस कमांडोस आगे बढ़े और दोनों आतंकवादियों का शिकार किया। अपने सटीक निशाने से मृत्युंजय साहब ने एक आतंकवादी के सिर में गोली मारी और दूसरे आतंकवादी को शॉट किया, लेकिन दूसरे आतंकवादी उस जगह से भागने में सक्षम हो गए। लेकिन कहानी उसके दो दिन के बाद पता चली। शोक बाबा के घने जंगलों में जब दूसरे आतंकवादियों को दो दिन तक ढूंढा गया तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली और उसका मृत्यु उसी गनशॉट की वजह से हुआ था जो यहां से मार्कोस कमांडो मृत्युंजय साहब ने फायर की थी। और मैं आपको बता दूं, मार्कोस के द्वारा मारी गई गोली से बचने का कोई रास्ता है नहीं। इस दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो मार्कोस के द्वारा फायर किया गया बुलेट से किसी भी आतंकवादी के जान को बचा दे। और ऑपरेशन शोक बाबा में अपनी अद्भुत रणनीति, असाधारण साहस और वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार साहब को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने साहस, पराक्रम और वीरता से न सिर्फ आतंकवादियों का सफाया किया बल्कि अपने बड़ी अपने टीम मेंबर की जान भी बचाई। इंडियन नेवी के मरीन कमांडो मृत्युंजय साहब को सतकोटि नमन के साथ में इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।